सभी किसान भाइयों के लिए जरूरी सूचना। तो यहाँ पे दोस्तों किसान भाइयों के लिए 45 दिवसीय स्त्रीय सैचुरेशन कैंप 1 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक चलाए जा रहे हैं। पात्र किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने की इस मुहिम से जुड़े और योजना का लाभ पाएं। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर। तो दोस्तों किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए ई-केवाईसी की सुविधा लागू कर दी है। तो जिन किसान भाइयों की ई-केवाईसी नहीं हो रखी है तो फटाफट अपनी केवाईसी करवा लें। तो दोस्तों यहाँ पे देश में करोड़ों किसान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस प्रक्रिया में सरकार ने किसानों के चेहरे की पहचान और आधार सत्यापन की पारदर्शिता को सुनिश्चित कर दिया है। किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पाने के लिए यहाँ पे दोस्तों इस मुहिम को चलाया जा रहा है। तो अगर आपकी इस मुहिम के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या है पीएम किसान सम्मान निधि के थ्रू तो आप यहां पे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम किसान के तहत 11.27 करोड़ किसानों को 15 ही किस्तों का लाभ मिल चुका है, जो कि अब 16 ही किस्त का लाभ मिलने वाला है दोस्तों। तो जिन किसान भाइयों की केवाईसी नहीं हो रखी है 45 दिवसीय ग्राम स्त्रीय सैचुरेशन कैंप पीएम किसान योजना से जोड़ने की मुहिम 1 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक चलाई जाएगी। केंद्र सरकार का ये अभियान वंचित ना रह जाए कोई किसान। तो जिन किसान भाइयों की केवाईसी की प्रक्रिया नहीं पूरी है फटाफट करा लें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना विश्व की सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ है पाना तो ई केवाईसी जरूर करवाना है दोस्तों। तो जिन किसान भाइयों की ई केवाईसी नहीं हो रखी है पीएम किसान मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर या का प्रयोग करें, बिना ओटीपी और फिंगरप्रिंट से अपनी ई केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। या आपके गांव पे विजिट करेगी ये टीम तो कैंप लगाएगी, उस कैंप पे जाके आप अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। या पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आप अपनी ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यहाँ वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 4 वेबसाइट पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी गई हैं। इन किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट करके इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो किसान भाइयों के लिए ये जरूरी सूचना है, और अगर इस प्रक्रिया को आप नहीं पूरा करते हैं तो आपको 16वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। जैसा कि हमने हर वीडियो में बताया है कि किसान भाइयों के लिए आपको ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है, तभी आप इस किस्त का फायदा पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे किसानों के लिए नई उम्मीद, पीएम किसान एआई चैट बैट किसान ई मित्र का एक फ्यूचर लॉन्च कर दिया गया है pmkisan.gov.in पर। तो इस फ्यूचर के माध्यम से आप अपनी समस्या का यहाँ पे समाधान पा सकते हैं। त्वरित स्पष्ट सटीक पीएम किसान एआई चैट बैट ई किसान मित्र किसानों की सेवा में 24 घंटे उपलब्ध रहता है। तो आपकी किसी भी प्रकार की क्यूरी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो किसान ई मित्र की सहायता से आप इस समस्या का समाधान यहाँ पे दोस्तों पा सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ई केवाईसी की प्रक्रिया को मस्ट कर दिया है। अगर आपकी ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो आपको 16वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी है, जिन जिन किसान भाइयों की ई केवाईसी नहीं हो रखी है दोस्तों। तो अगर आपकी केवाईसी नहीं हो रखी है तो फटाफट अपनी केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लें और इस किस्त का लाभ, 16वीं किस्त का लाभ आप पहली बात ही पा सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे कि इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आपके फ़ोन पर सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये प्रक्रिया आपको 15 जनवरी 2024 के पहले पहले पूरी कर लेनी है।
जिससे आपको इस किस्त का लाभ पाने से वंचित ना रहें। और यहाँ पे दोस्तों ये प्रक्रिया 15 जनवरी 2024 तक चलाई जाएगी, जिसके अंतराल में आपको इस प्रक्रिया में अपनी ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है पीएम के।